Hello guys, welcome to Crack UPSC Now YouTube channel. So guys, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि है 5th and 6th January 2020 की, ठीक है। इन 5 और 6 जनवरी में बहुत कुछ नया हुआ है, चाहे वो हम नेशनल्स हो, राष्ट्र की बात करें, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बात करें, स्टेट्स हो, चाहे राज्यों की बात करें, हर जगह में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी ही रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, ठीक है। देखिए, आज की पहली हमारी न्यूज़, नेशनल न्यूज़ ये है कि इंडिया गिव्स 75 मिलियन एलओसी टू क्यूबा फॉर सोलर पार्क। देखिए, एलओसी मतलब होता है मींस लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, वो एल, ये देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ कंट्रोल वो अलग है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। देखिए, तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 75 मिलियन डॉलर्स है ना किसको दिया है, क्यूबा को दिया है, ताकि वो अपना सोलर पार्क्स बना सके, ठीक है। ये होता है सोलर पार्क, आप इमेज में देख सकते हैं, ये रही इमेज उसकी सोलर पार्क की, ठीक है। देखिए, इंडिया हैज एक्सटेंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $75 मिलियन, और मतलब अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 500 करोड़, समझ रहे हैं आप कितना इम्पोर्टेंट, 500 करोड़ रुपीज़ टू क्यूबा, क्यूबा को दिए हैं अपन ने इतना, ठीक है। द लाइन ऑफ क्रेडिट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू फाइनेंस सोलर पार्क इन क्यूबा, यानी सिर्फ क्यूबा में सोलर पार्क बनाने के लिए ये दिया गया है ना। अब आइए हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ व्यू से देख लें कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्यूबा का कैपिटल हवाना है, आपको पता होना चाहिए क्यूबा का कैपिटल हवाना, एंड क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है गाइस, म्यूगेल डीएस कैनल, कौन, म्यूगेल डीएस कैनल, ये प्रेसिडेंट है, ये दो पता होना चाहिए हमें को। और क्यूबा में कौन सी करेंसी यूज होती है, तो करेंसी का नाम डॉलर है, ओके, ये आपको पता चाहिए होना चाहिए, डॉलर मींस यूएसडी, ओके। नाउ आगे चलते हैं अपन, अब आते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। तो कोलकाता पुलिस ने सुकन्या नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कौन सी पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने गाइस, ठीक है, कोलकाता पुलिस ने सुकन्या, थर्ड एडिशन है इसका ये, ठीक है, इससे पहले वो 2 बार और कर चुकी है। देखिए, ये कोलकाता पुलिस का मोनो है, लोगो, ठीक है। अब देखिए, कोलकाता पुलिस है स्टार्टेड थर्ड एडिशन ऑफ सुकन्या प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सुकन्या प्रोजेक्ट क्या होता है, ये जो गर्ल्स के स्कूल में ट्रेनिंग होती है सेल्फ डिफेंस के लिए, वो उसको बोलते हैं सुकन्या। देखिए, आज के समय अपन बहुत जगह सुन रहे हैं कि सर गर्ल्स को किडनैप किया जाता है, रेप किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, तो उनके बचाने के लिए गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है कोलकाता पुलिस की कम्युनिटी के द्वारा, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है कोलकाता पुलिस, है ना। अब इसमें आप थोड़ा देख ले तो चीफ मिनिस्टर कोलकाता का, कोलकाता की कौन है, ममता बनर्जी, और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं एम्स में। एम्स आपको पता होगा जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जो जैसे आईआईटी, जो मैथ साइंस के स्टूडेंट रहते हैं वो आईआईटी एग्जाम दे के जाते हैं, ऐसी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहते हैं वो एम्स का एग्जाम देते हैं, उनको डॉक्टर बनेंगे। तो एम्स के जो प्रोफेसर हैं सुरेश चंद्र शर्मा, वो एनएमसी के फर्स्ट चीफ बन चुके हैं, ठीक है गाइस। किसके, एनएमसी, एनएमसी क्या होती है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ओके, ये देख सकते हैं, ये है उसका ऑफिस, मेडिकल साइंस का ऑफिस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स का, ठीक है, ये एम्स है, ठीक है। और अभी अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूछ सकते कि एम्स के, यानी जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कम्युनिटी के हेड कौन बने हैं, तो वो है सुरेश चंद्र शर्मा, ये फर्स्ट चीफ है, फर्स्ट चीफ, फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट, और किसके हैं, एनएमसी के, ओके, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के प्रोफेसर थे, तो वो एम्स के प्रोफेसर थे, सुरेश चंद्र शर्मा, ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच के जोशी अपॉइंटेड है सीएमडी ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एच के जोशी जो है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन, यानी देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो जो माल रहता है, जो प्रोडक्ट रहता है, आइटम जो एक देश से दूसरे देश आते हैं वाया शिप हो गया, या
प्लेन से हमारे प्रोडक्ट बाहर से इंडिया में आते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं उसको शिपिंग कॉरपोरेशन का काम बोला जाता है। तो एच के जोशी मतलब हरजीत कौर जोशी, ये देखिए हरजीत कौर जोशी इसके नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं, ठीक है। सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। तो सी एस सी मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर्स, है ना। तो इनने क्या चालू किया है, पैक्ट। पैक्ट मतलब यानी कुछ समझौता साइन किया है ना, किससे, पेटीएम पेमेंट बैंक, किससे, पेटीएम पेमेंट बैंक से फॉर सेल ऑफ फास्टैग। देखिए फास्टैग अभी हमारे यहाँ नई तरह की पेमेंट मेथड चालू हो रही है, जैसे आपने ये फोन पे गूगल पे है ना, यूपीआई भीम यूपीआई ऐसा, ऐसे फास्टैग भी चालू हो रही है। तो सीएससी ने कॉमन सर्विस सेंटर्स ने ये चालू किया है, ओके भाई। तो उन्होंने किससे टाइप किया है इसके लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक से फॉर सेल ऑफ फास्टैग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये जरूर आ सकता है कि फास्टैग सी एस सी ने किससे पैक्ट किया, तो वो है पेटीएम पेमेंट बैंक से, ओके है। फोन पे भी है ऐसे, गूगल पे भी है, लेकिन इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक से किया है ना। चलिए अब देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नजर से बात कर ले, तो सीईओ और सी एस सी कौन है, दिनेश त्यागी है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, दिनेश त्यागी। और पेटीएम के तो सबको पता होना चाहिए, विजय शेखर शर्मा है पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन। और सीईओ और एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सतीश कुमार गुप्ता, ओके। अब देखते हैं आगे, अब आए हैं कि रिवाइन एंड पंजाब मेटलाइफ इन टाइप टू कवर ऑफर लाइफ कवर, है ना। ये लाइफ कवर ही ऑफर कर रहे हैं रेवाइन एंड पीएनबी इन मेटलाइफ, है ना। साथ में इन्होंने टाई अप किया लाइफ कवर के लिए, किन दोनों ने, रेवाइन एंड पीएनबी मेटलाइफ, ये दोनों का नाम याद रखना, लाइफ कवर के लिए इन्होंने करा है, ओके। अब इसका कॉम्पिटेटिव देखिए, पीएनबी मेटलाइफ 2001 में बना रहा है ना। इन देखिए कोई भी हेडक्वार्टर बैंक से जुड़ा है वो उसका सबके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर पीएनबी और पीएनबी मेटलाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है, आशीष कुमार श्रीवास्तव, ओके गाइस। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम अवार्ड्स पढ़ते हैं, तो अवार्ड्स में क्या क्या हुआ, ठीक है। इंडियन गर्ल सुचेता सतीश विन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगिटी अवार्ड 2020, ठीक है। देखिए सुचेता सतीश है ना, ये देखिए है उसकी फोटो, आप देख सकते हो फोटो पिक्चर में, ये है सुचेता सतीश। इन्होंने ग्लोबल विन प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता है, है ना। इंडियन गर्ल ने जीता है, सोचिए। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 13 इयर्स ओल्ड दुबई बेस्ड, देखिए ये लड़की दुबई में रहती है ना, ये देखिए दुबई में बेस्ड इंडियन गर्ल है ये, है ना। इन्होंने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो इंडिया में हुआ वो जीता है ना। शी इज अवार्डेड फॉर द सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग वन कॉन्सर्ट एंड द लॉन्गेस्ट लिविंग सिंगिंग कॉन्सर्ट बाय द चाइल्ड। तो समझे आप, यानी इसने एक ही कॉन्सर्ट में एक ही बार में हर बहुत सी लैंग्वेज में इसने गाना गा के बताया है, और सबसे लंबा लाइव, ये देखिए लॉन्गेस्ट लाइव सिंगिंग कॉन्सर्ट था इस किसी भी बच्चे के द्वारा, इसलिए इसको मिला है, ठीक है। ये अवार्ड जो था वो एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, और ऑस्कर अवार्ड विनिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ भी थे वो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आयुषी ढोलकिया बिकम्स द मिस टीन इंटरनेशनल 2019। देखिए इंडिया में मिस टीन इंटरनेशनल, वर्ल्ड में मिस टीन इंटरनेशनल हुआ रहा, तो इंडिया की आयुषी ढोलकिया ने, किसने कहा, आयुषी ढोलकिया ने ये जीता है, ठीक है। अब देख ले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, आयुषी ढोलकिया हैज बैग्ड द टाइटल ऑफ मिस टीन इंटरनेशनल 2019, ठीक है। शी ऑल्सो बैग्ड द बेस्ट टाइटल ऑफ नेशन कॉस्ट्यूम, देखिए वो नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड में भी जीती। तो इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि किसने जीता है मिस टीन इंटरनेशनल, तो वो है आयुषी ढोलकिया। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस में देख लेते हैं कि अडानी पोर्ट्स टू बाय 70% ऑफ स्टेक इन कृष्णपट्टनम पोर्ट। कृष्णपट्टनम पोर्ट का 75% स्टेक किसने लिया, अडानी ने। आपने अडानी का नाम सुना होगा, है ना, तो उन्होंने ये लिया है ना, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये उनकी कंपनी का नाम है
है ना, ये क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर। देखिए इंडिया में बहुत सारे पोर्ट ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर कौन है, वो है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देख लेते कि देखिए इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो है गौतम अडानी। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, ये अडानी चेयर ग्रुप्स के चेयरमैन है ना, और इसके डायरेक्टर कौन है, करण अडानी। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं हम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आया कि इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड फार्थेस्ट गैलेक्सी ग्रुप, ये देख लिए EGS-77, मतलब यानी जो नासा ने है ना, यानी जो नासा के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इंटरनेशनल जो टीम है उनकी है ना, उन्होंने क्या फाइंड किया, फार्थेस्ट मतलब बहुत दूर का गैलेक्सी ग्रुप, यानी सबसे दूर का गैलेक्सी ग्रुप, उसका नाम क्या, EGS-77, इसको ढूंढ निकाला है ना। तो देखिए, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर फाउंड फंडेड इन द पार्ट ऑफ नासा, ये नासा के है ना, इतना आपको याद रखना है, हैज फाउंड द फार्थेस्ट बहुत दूर का गैलेक्सी ग्रुप इनने फाउंड किया, उसका नाम क्या है, EGS-77। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक का सबसे दूर का गैलेक्सी ग्रुप निकला, तो इसका नाम आना कंफर्म ही है एग्जाम्स में गाइस। ठीक है, क्या नाम है, EGS-77, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देख सकते हैं कि जो टीम थी वो उसमें इंडियन के, यानी जो उस टीम में, ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये इंडिया के एस्ट्रोनॉमर है ना, जो गोवा से बिलोंग करते हैं। ये देखिए, ये जो एस्ट्रोनॉमर की टीम गई थी ना नासा से, जो है उनमें से इंडिया के जो गोवा में बॉर्न साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है, विथल तिलवी है ना, ये थी वहाँ, ये वहाँ पर मौजूद थी, और वो इस टीम में वो भी थी, यानी इंडिया से भी कोई था। अब आइए इसमें देख लेते हैं थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नज़रिए से, तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, सबको पता होना चाहिए, वाशिंगटन DC में, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ रहा, July 29, 1958 में नासा। ओके, और आगे बढ़ते हैं, अब सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। वोमेन साइंस कांग्रेस बिगन इन बेंगलुरु, देखो बेंगलुरु में वोमेन साइंस कांग्रेस चालू हो चुकी है ना, ये और जो इसकी डायरेक्टर DRDO की जो सिस्टम है, डॉक्टर टेसी थॉमस, वो जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, तो ये स्टैटिक GK में काम आ सकता है कि हु इज द मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया, तो वो, और मिसाइल मैन तो सबको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और मिसाइल वुमेन कौन है, डॉक्टर टेसी थॉमस। ओके, ये चीफ गेस्ट थी। आगे चलते हैं, अब देख लीजिए DRDO मतलब क्या होता है, डिफेंस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है DRDO का चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी, और ये कब, इसका हेड एस्टेब्लिश कब हुआ, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। देखिए जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही होगा, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1958 में, और अभी चेयरमैन कौन है DRDO के, जी सतीश रेड्डी। ओके, अब स्पोर्ट्स का देख ले, देखिए अभी ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ आई कि इरफान पठान से जो क्रिकेट है वो सब, उनने रिटायरमेंट ले लिया इरफान पठान ने। इरफान पठान और फास्ट बॉलर थे इंडिया की तरफ से, उन्होंने 2007 की वर्ल्ड T20 में भी फाइनल जो जीता रहा इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें भी वो थे, पार्ट थे इंडिया टीम के, और इन्होंने 19 साल की उम्र में ही डेब्यू किया रहा अपना मैच 2003 में। ओके, आगे चलते हैं, सौरभ चौधरी विंस गोल्ड एट 63rd नेशनल शूटिंग सीज चैंपियन। ओके, आगे देखिए, ये हैं सौरभ चौधरी, ये देखिए है ना, इन्होंने 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख, इसमें देख लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के, कमलनाथ है ना, और कमलनाथ की गवर्नर कौन है अभी, लालजी टंडन, ये गवर्नर है ना, और ये जो प्लेयर है ये मध्य प्रदेश से, तो ये MPPSC के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौरभ चौधरी है ना, तो इधर ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा कि MP के, मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड मेडल जीता, तो वो है सौरभ चौधरी। ठीक है, ये है सौरभ चौधरी, इनकी फोटो देख सकते हैं। आगे जाए, देखिए कृष्णनाथ
श्रीकांत एंड अंजुम चोपड़ा को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। देखिए सी के नायडू जो लाइफ टाइम है ये हमेशा उन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को मिलता है जो कि खेल कूद के बहुत बड़े पर्सनालिटी उनको ही दिया जाता है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहता है। तो किन को मिल रहा है, ये दोनों ही क्रिकेट से ही बिलोंग करते हैं, ये दोनों, ये हैं के श्रीनाथ और ये हैं अंजुम चोपड़ा। ठीक है, इनको मिल रहा है सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन दो खिलाड़ियों को मिला, तो ये है सी के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी अभी ये बने हैं बीसीसीआई के चेयरमैन, प्रेसिडेंट बने हैं सौरव गांगुली, है ना। अब आइए ऑर्बिचुरीज देख लेते हैं। ऑर्बिचुरीज क्या होती है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो जाता है, उनके किसी कारण मृत्यु हो जाती है, उसको ऑर्बिचुरीज बोलते हैं। फॉर्मर कर्नाटक है, तो कर्नाटक के गवर्नर टी एन चतुर्वेदी अभी अभी गुजर चुके हैं, हमारे बीच अब नहीं रहे, तो ये कहाँ के, कर्नाटक के गवर्नर थे, है ना। ये टी एन चतुर्वेदी 14th गवर्नर बने रहे कर्नाटक के 2002 से 2007 तक थे। ओके, आगे चलते हैं। मिसलिनियस देख लेते थे कि यूएन डिक्लेयर्स मलाला यूसुफ़ज़ई मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड। यानी यूएन तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस है, है ना। यूनाइटेड नेशंस ने मलाला यूसुफ़ज़ई को मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड का, डिकेड मतलब 10 साल में, यानी इस 10 साल में सबसे फेमस टीनेजर कौन है, मलाला यूसुफ़ज़ई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2014 में, है ना। आगे चलते हैं। देखिए हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क यूएसए में 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना, और अभी कौन है यूएन के सेक्रेटरी, वो है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंटोनियो गुटरेस हमारे पूरी दुनिया के मालिक है अभी इस समय, यूएन इतना बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूट्रल प्रोनाउन दे वोटेड फॉर वर्ड फॉर द डिकेड, तो यानी दे, देखिए न्यूट्रल प्रोनाउन ने दे वर्ड को वर्ड ऑफ द डिकेड बोला। कौन से वर्ड को, दे वर्ड, अभी वर्ड ऑफ द डिकेड बना है यूएस लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड अभी न्यू वर्ड ऑफ द डिकेड बना, तो वो है दे। ओके, आगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। देखिए ये थी 5th एंड 6th, 5 और 6 जनवरी 2020 की से बहुत सी तमाम करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली मेरे करंट अफेयर्स को पढ़ने का मौका मिले। और मैं हर स्टैटिक जीके पे भी वीडियो लाऊंगा, और अगर आपको किसी वीडियो में समस्या आ रही है या कोई वीडियो आपको चाहिए हो जिस टॉपिक पे, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा। टिल देन, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।